जिन व्यापारियों का नाम आपने लिया, किराने की दुकान, बर्तन की दुकान, हार्डवेयर की दुकान, ज्वेलर्स की दुकान, कपड़े की दुकान, ये सारे व्यापारी हमारे हिंदू भाई हैं। वो गुजरात के हैं, वो राजस्थान के हैं, वो महेश्वरी है, वो अग्रवाल है, वो सभी समाज के हैं। जैन है, मारवाड़ी है, कपोल है, वैष्णव है, इस सभी समाज के लोग कई सालों से, जब से नया नगर बना है, तब से अपना कारोबार यहाँ कर रहे हैं और बहुत ही इत्मीनान से, आराम से कर रहे हैं। उनको कभी भी किसी प्रकार की समस्या यहाँ नहीं उठानी पड़ी। यही वजह है कि उनका ये प्रेम है, उनका ये प्यार है कि वो, मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसमें वो आकर के उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। और ये जो चुनाव है, ये बीजेपी से जनता सवाल पूछ रही है कि जवाब दो कि 10 साल से महापालिका, राज्य सरकार, दोनों विधायक आमदार 2014 से 19 और 19 से 24 ये बीजेपी के रहे, फिर ये शहर में विकास का काम क्यों नहीं हुआ इसका जवाब दो, पानी क्यों नहीं आया इसका जवाब दो। आज आपको संकल्प लेना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि हम ये काम करेंगे। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि आपने 10 साल में कुछ विकास का काम नहीं किया, लोगों को गुमराह किया, झूठे आश्वासन दिए, झूठे वायदे किए, जातिवाद, धर्मवाद, प्रांतवाद का बढ़ावा आपने किया। लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। लोगों को इस शहर में एक मिनी हिंदुस्तान है, सभी समाज के, धर्म के, भाषा के, प्रांत के लोग यहाँ इकट्ठा रहते हैं, बहुत ही प्रेम भाव से रहते हैं और उनको इस शहर का और विधानसभा का आने वाला मुस्तकबिल भी उसी तरह से चाहिए, अमन का और शांति का। यही अमन और शांति का पैगाम देके हम 145 विधानसभा में जनता के सामने आए हैं। जनता ने पिछले 40 साल में हमारा काम देखा है, हमने जो वायदे किए, जो नियोजन किया, हमने उसको एग्जीक्यूट किया, हमने उसको डिलीवर किया। 2014 से 24 इस भाईंदर वेस्ट में एक भाजी मार्केट नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, जवाब है। एक नया रास्ता भाईंदर वेस्ट में नहीं बना। क्यों नहीं बना, लोग बोल रहे हैं, जवाब है। भाईंदर ईस्ट में, जेसल पार्क में, कैबिन रोड पे, नर्मदा नगर में, तमाम इलाकों में एक भाजी मार्केट नहीं, एक प्लेग्राउंड नहीं, एक मैदान नहीं। क्यों नहीं बना, लोग इसका जवाब मांग रहे हैं। जनता इनसे जो ये आज कह रहे हैं, हमारे ये वायदे हैं आने वाले वक्त में, आपने काम नहीं किया है, ये उसको सिद्ध करना है। सर, आपके आपके सवाल आपके सवालों की दहार में और आपके जवाब देने की गूंज ने जो लोगों के कानों पे, जबान पे ताले डाल दिए, तो आपको लगता है ये लोग जवाब दे पाएंगे? लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में यही खूबी है कि 5 साल में जनता हर एक को मौका देती है। इनको 10 साल दिया है, इनको 10 साल दिया है और इसीलिए जनता आज अपने सवालों का जवाब मांग रही है। आश्वासन नहीं, जनता कह रही है जवाब दो, जनता कह रही है जवाब दो, जनता कह रही है जवाब दो। हो सकता है आने वाले दिनों में फिर एक बार सांप्रदायिकता मुद्दा किया जाए, ऐसे में आप जनता को क्या संदेश देंगे? हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत ही खूबसूरत है। हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब जिसे हम कहते हैं, वो इस तरह से है जैसे गंगा में पानी है, उस पर लाठी मारोगे तो लाठी टूटेगी, ये तहजीब नहीं टूटेगी, पानी अलग नहीं हो सकता। जनता समझदार है और जनता बिल्कुल समझ के फैसला करेगी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।